बिसम रहीम व्यवर्स आज का हमारा टॉपिक है ए इंक्लूजन टपोलॉजी आपको जैसे मालूम है कि एक नॉन एम टी सेट एक्स के ऊपर हम टपोलॉजी डिफ़ाइन करते हैं जो कि एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन होती है और वो कलेक्शन ख़ास किस्म के एक्जियम सेट्सफाई करती है तो उसे टपोलॉजी करती है ए इंक्लूजन टपोलॉजी से क्या मुराद है ये जिस सेट के ऊपर आपने टपोलॉजी डिफ़ाइन करनी है ए उसका कोई नॉन एम टी सबसेट है अब सबसे पहले हम ए को टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद उसको भी टोपोलॉजी प्रूव भी करेंगे तो इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स एंड टा

एंड इस्ड ए इंक्लूजन तो इसको इसका प्रूफ देखने क्या कह रहे हैं टा ए में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं एक तो फाई मौजूद है और एक ए के सारे सुपर सेट्स फाइव उसने पहले रख लिया और एक ए के सुपर सेट रख लिए। ये भी जेन में रहे कि ऑब्वियसली जब हम ए ले रहे हैं तो एक नॉन एम सेट ले रहे हैं अब इसको साबित करना है टपोलॉजी सबसे पहले टपोलॉजी का पहला एग्जीम याद है क्या था तो हम उसके कुछ जिसको टपोलॉजी साबित करना है उसके मेंबर्स की कुछ कलेक्शन लेंगे तो उसकी यूनियन साबित करेंगे तो हम ये सपोज करते हैं लेट ए अल्फा साई दैट अल्फा बिलोंग टू आई बी कलेक्शन ऑफ टा ठीक? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा ए लेकिन कलेक्शन ऑफ ऑफ टा ए कुछ मेंबर्स की कलेक्शन देन डेफिनेशन के मुताबिक दैन बाय डेफिनेशन ऑफ टा ए अल्फा इज ए That is, ये सारे ए ये टा में कौन से नियम हैं जो ए के सुपर सेट्स तो ये सारे जो हैं वो क्या होंगे यानी ए इनका सबसेट होगा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग टू आई टा ए में कौन से मेम्बर्स नियम हैं जो ए के सुपर सेट्स जिनका ए सबसेटो तो डेफिनेशन देखें हमने टा ए कौन सी पकड़ी है उसमें एक फाइ होगा अब जारी पता फाई तो ए का सुपर सेट नहीं ना होगा इसलिए फाई उसने लगा रख लिया कि फाई तो है उसमें फ़ाइ के अलावा जो सेट हैं वो ए के सुपर सेट्स से। यानी जिन का ए सबसेट है वो ले लिया सारे के सारे अब मैं टा के कुछ मेम्बर्स ले रहा हूँ टा ए के तो उन मेंबर्स की खासियत क्या होगी वो सारे के सारे ए के क्या होंगे सुपर सेट्स होंगे अब ये हर सेट ए का सुपर सेट तो मैं जब इन सेट्स की यूनियन ले दूंगा, फिर क्या होगा वो भी सुपर सेट ही रहेगा बड़ा ही बनना उसने यूनियन लेने से तो और बड़ा हो जाएगा ना तो ए का सुपर सेट ही रहना उसने तो ये क्या इम्प्राई करा इज अ सबसेट ऑफ यूनियन एल्फा बिलोंग टू आई एल जैसे ही कोई चीज़ ए का सुपर सेट बनी वो चीज़ पहुंच जाएगी किसमें टा ए में टा ए में चीज़ें ही ऐसी मौजूद हैं ऐसे सेट्स मौजूद हैं जो ऐसे सेट्स मौजूद हैं जो क्या है जो ए के सुपर सेट्स जैसे ही कोई ए का सुपर सेट बना तो वो इमीजिएटली टाई में पहुंचेगा। तो पहला एग्जाम यही नहीं साबित कर रहा था हमने यही साबित करना था कि जिसको टोपोलॉजी साबित करनी है उसके मेंबर्स की यूनियन ली जाए आर्बिटरी मेंबर्स की यूनियन ली जाए तो वो आ जानी चाहिए चले अब सेकेंडली उसका सेकेंड एग्जाम प्रूव करते हैं उसमें आप सबको पता है कि फाइनाइट की जिक्र होना है तो हम ये कहते हैं लेट ए आई सच डेट आई वेरी वन टू एन बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ता ए। Then फिर क्या होगा वही सिचुएशन होगी ए इज अ सबसे फॉर ईच आई फॉर ईच आई का मतलब क्या है कि ए जो है वो ए वन का भी सबसेट है ए जो है वो ए टू का भी सबसेट है और ए जो है वो ए थ्री का भी सबसेट है सबका सबसेट है अब अगर ये सारे, सारे a के सारे ए के सुपर सेट्स हैं इनकी जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा सेट तो छोटा होता जाएगा लेकिन फिर भी एगा सुपर सेट ही रहेगा वो सारे सुपर सेट है। मैं मिसाल देता हूँ ये ले जी ए सेट हम लेते हैं वन से ले कर टेन तक ठीक है अब इसके सुपर सेट्स लें ए, ए सुपर सेट से हम क्या किया उसमें वन से लेके टेन तक तो ज़रूर होने चाहिए तो मैं ले लेता हूँ वन से ले कर हंड्रेड तक ले, ले लेता हूँ ए टू जो है वो मैं ले लेता हूँ वन से लेके टू हंड्रेड तक चलें ए थ्री जो है वो ले लेता हूँ वन से लेके वन फिफ्टी तक ए फोर जो है वो मैं ले लेता हूँ वन से लेके सिर्फ ट्वेंटी तक और ए फाइव मैं ले लेता हूँ वन से लेके के अलेवन तक अब ये सारे के सारे पहले तो देखें ए के सुपरसेट हैं अब इन सब की भी जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा इनकी तो कौन सा सेट आएगा ये सबसे छोटा यही है ये आएगा इंटरसेक्शन लेने से इस, इसकी, इसकी 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 में तो ये आएगा तो ये जो आ गया तो क्या हो गया ये भी तो एक सुपर सेट ही है क्योंकि आप जितने भी सेट्स की इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो उनमें सब में ए मौजूद है अब इंटरसेक्शन लेने से कम अज कम ये तो आना ही आना है ठीक है तो लिहाजा ये अब अगर हो गया A आ सबसेट ऑफ ए आई फॉर ईच आई देन हमने बेसिकली ये साबित कर दिया कि ए सबसेट है इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन ए आई का फिर वही बात जैसे ही कुछ सेट ए का सुपर सेट बना वो किस में वो टा ए में पहुंचेगा तो दिस विल बी इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन ए आई बिलोंग टू टा ए तो वो भी साबित हो गया टा ए में पहुँच गया इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑफ टा ए ए। इज इन नेक्स्ट जो है वो तो टा ए में पहले से मौजूद है इट इज गिवन जब आपने कलेक्शन ली थी टपोलॉजी इनक्रूज टपोलॉजी डिफाइन की थी उसमें फाइव पहले रखा हुआ अगला क्या है एक्स लेके आना तो अब एक्स जो है वो भी तो ए का सुपर सेट ही है ना क्या नहीं सारी डिस्कशन जो है वो एक्स के अंडर ही तो हो रही है तो एक्स ए का सुपर सेट है एक्स ए का सुपर सेट है तो इमीडिएटली क्या होगा एक्स टा ए में पहुंचेगा तो है एक्स किससे बड़ा तो क्यों नहीं बड़ा होना उसने एक्स जिस जिसके ऊपर आपने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है बाकी सारी चीजें उसका सबसेट ही होनी है टोपोलॉजी ए का ले रहे थे एक्स का नहीं ले रहे थे अल्फा जो हैं वो सुपर सेट्स हैं ए के नॉट एक्स के हमें पता ही नहीं कि में हमें तो एक्स का नहीं पता हमें नहीं पता कि एक्स में कितने मेंबर्स हैं और किस किस्म के मेंबर्स हैं सिर्फ इतना पता है कि एक्स नॉन एम्प्टी सेट है जब एक्स का ही नहीं पता कि उसमें मेंबर्स कितने हैं और किस किस्म के हैं तो फिर ए का कैसे पता होगा ये तो उसका सबसेट है ये तो उसमें से कुछ मेंबर छोड़ के आ रहा है ए का भी नहीं पता होगा और ये पता करने की जरूरत भी नहीं है जो पता करना है एक्स के मेंबर्स के का पता करने की जरूरत है हमें जो पता करना था वो यही था कि एक्स के जो सबसेट्स आपने टा ए में रखे हैं क्या वो टोपोलॉजी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे वो पता करना था वो सेट्स के अंदर क्या है वो तो पता ही नहीं करना हमें ज़रूरत ही नहीं तो हमने आर्गूमेंट से पता साबित किया कि वाकई भी टोपालोजी बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है ए इंक्लूजन टपोलॉजी की क्या डेफिनेशन ये एक कैपिटल एक्स का सबसेट लिया हुआ ए ए इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना ए इंक्लूजन टपोलॉजी नाम से देखें कि उसमें ए मौजूद है यानी इस सेट से टा के जो टा ए के जो मेम्बर्स हैं उन सब में ए मौजूद है आई के इसलिए उसका नाम आ गया एनक्लूजन टपोलॉजी फाई एक, एक एक्स्ट्रा रखा बस में टपोलॉजी बनाने के लिए बाकी फाई के अलावा जितने भी सेट्स हैं ए उनमें मौजूद है यानी आप ये कह रहे हैं कि ए के तमाम सुपर सेट्स की कलेक्शन रख कर लें साथ उसमें रख लें फाई वो जो कलेक्शन आएगी वो लाजमी टपोलॉजी बनेगी उसको हम कहते हैं ए इंक्लूजन टपोलॉजी और उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए टा ए लिख देते हैं तो हमें कोई गरज नहीं है कैपिटल एक्स में कितने मेंबर्स हैं कैसे हैं हमें कोई गरज़ नहीं है जो उसका नॉन एम टी सेट ए है उसमें कितने मेंबर्स हैं कैसे हैं जो हमें इंटरेस्ट जो हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ इसमें है कि जो कलेक्शन इस यहाँ पे ए इंक्लूजन टोपोलॉजी की डेफिनेशन की गई है उसके मुताबिक जो कलेक्शन ली गई है उस कलेक्शन में टा की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं कि नहीं करती है। ठीक है अब एक नोट है कि अगर ए में सिर्फ एक ही पॉइंट हो यानी अगर पता चल जाए कि ए में सिर्फ एक ही पॉइंट है ऑब्वियसली फिर ये पॉइंट एक्स में भी होगा क्योंकि ए वहां से आया हुआ है तो फिर इस इस केस में हम कहते हैं पी इनक्लूजन टोपोलॉजी फिर ए इंक्लूजन टोपोलॉजी कहने की जरूरत नहीं है चूंकि सिंगल्टन सेट है तो देन वी से टा पी इज़ पी इंक्लूजन टपोलॉजी ऑन एक्स तो पी इंक्लूजन का भी समझ आ गई ए इंक्लूजन भी समझ आ गई yes. अब हम देखते हैं कि इसकी बिल्कुल अपोजिट है ए एक्सक्लूजन टिपोलॉजी पहले ए इंक्लूजन टपोलॉजी पढ़ी है अब पहले और उसके बाद हम ए एक्सक्लूजन टपोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसको प्रूव करते हैं नेक्स्ट है ए एक्सक्लूजन टोजी इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले तो आप एक जाहिर नॉन एम सेट देते हैं और ए इसका सबसेट है देन कलेक्शन टा ऑफ कलेक्शन टॉ consisting of liquid, consisting of x and those subsets of x Which are disjoint from A is a topology on X and is called A exclusion. डिस का मतलब क्या है जिनकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव हो ये दूसरा एक्सट्रीम है ए इंक्लूजन टॉजी में क्या था कि जो ए के हैं, जिनमें सब में ए मौजूद है वहां अब सब से निकाल दिया ना सिर्फ निकाला है बल्कि कॉमन पॉइंट भी कोई नहीं है। इस तरह निकाला है अब जो आप कलेक्शन लेंगे वो एक्स के सबसे हैं लेकिन उनमें से किसी भी सेट की ए के साथ नहीं बनती पहले वाले केस में वो सारे के सारे सेट के साथ इतनी एक ही बनती थी कि ए सब के अंदर पड़ा हुआ था अब जो सेट्स से हैं इनकी ए के साथ किसी के साथ नहीं बनती ए की वो ए के और उसके साथ इंटरसेक्शन ही है ठीक है तो कहता है इसलिए इसका नाम है ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी ए एक को निकाल दिया गया उसमें ए इंक्लूजन टोपोलॉजी में फाइल रखा गया था और एक्सक्लूज टोपोलॉजी में एक्स रखा गया एक्स क्या करना आपने वही लेट ए अल्फा एल्फा दैट अल्फा बिलोंग टू आई वी मेंबर्स ऑफ ये आपने ले ली देन बाय डेफिनेशन जो इस वक्त डेफिनेशन हम कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ टार क्या होना चाहिए ए अल्फा की ए के साथ इंटरसेक्शन फाई आनी चाहिए फॉर ऑल क्या कह रहा था जरा गौर करो वो कह रहा था टार में वो वाले मेंबर्स आएंगे कैपिटल एक्स के वो सबसेट्स आएंगे जो डिसजॉइंट हैं फ्रॉम ए से डिस ज्वाइंट का मतलब क्या है जिनकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है अब आपने टा के मेंबर्स की कुछ कलेक्शन ली है ए अल्फा। तो फिर इसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि इन सारे ए अल्फा की इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होनी चाहिए तो वो आप ठीक है किसी की नहीं बन रही ए के साथ अगर नहीं बनती किसी की भी इनकी यूनियन लेने से जो नया सेट आएगा क्या उसकी ए के साथ कुछ बनेगी नहीं बनेगी आपका जो ए है जो आपने सेट्स लिए हैं चले फर्ज करें पांच सेट आप ए के ले, लेते हैं और उन पांचों सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ फाइ है यानी पांचों सेट में ए का कोई भी पॉइंट नहीं है अब पांचों सेट की यूनियन लेने से एक बहुत बड़ा सेट बनेगा तो सही पर मसला तो वही रहेगा कि उन उस बड़े बहुत बड़े सेट में भी ए का कोई पॉइंट नहीं आ सकेगा तो फिर वो जो नया सेट बना उसमें उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ ली जाए ले जाए तो मसला बरकरार है अभी, ए के साथ उस फाई रहेगी इंटरसेक्शन। अब अगर किसी भी सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन फाई है तो इस डेफिनेशन के मुताबिक वो सेट इमीजिएटली किस में पहुंच जाएगा वो टा में पहुंच जाएगा टा की खियत ही इस वक्त ये है तो उसमें वो सेट आना है जिसकी ए के साथ एक्स के अलावा एक्स तो वैसे रखा हुआ है एक्स के अलावा वो सेट आएगा जिसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव है इस वक्त यूनियन की इंटरसेक्शन फाइव है तो वो टा में आ जाएगा नेक्स्ट सेकेंड एग्जिम में क्या करना है बात फिर वही है फ्राम वन टू एन बी फाइ नाइट फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्या होगा बात फिर वही है, ए आई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव फॉर ऑल आई आप कह रहे हैं कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और ये टा के मेंबर्स हैं तो फिर वही बात है टा में तो आई वो रहा है जिसकी एक साथ नहीं बन रही तो किसी की भी नहीं बन रही होगी किसी की भी नहीं बन रही तो फिर इनकी इंटरसेक्शन लेने से तो मजीद सेट छोटा होना है तो उसकी भी नहीं बनेगी ए के साथ वो भी फाइव होगा किसी भी सेट की जब एक साथ नहीं बनी तो वो सेट पहुंचा किस में? किस में पहुंचा टा में पहुंचा तीसरा एग्जाम एक्स तो पहले ही टाप में मौजूद है वजह क्या है ये गिवन है ये पता क्यों उसने रख दिया गा? क्योंकि इसकी तो बनती है ना एक, एक साथ इसकी तो बहुत खूब इस तरह बनती है कि इसका है इसलिए इसने पहले ही उसको प्रजर्व कर लिया भी इसको छोड़ देंगे मैंने पहले ही रख लिया है टाप जिसकी बनती है इसके अलावा किसी की जो ऐसा जो भी आएगा उस, उसकी इंटरसेक्शन एक के साथ फाई हो अब मुझे ये बताएं जब मैं फाई की इंटरसेक्शन एक के साथ लूंगा तो क्या आएगा तो किसी भी सेट की जब इंटरसेक्शन ए के साथ फाई आनी है तो उस सेट ने किस में पहुंच जाना है तो लिहाजा हमें यह समझ आई टा इज आ प्रूव हो गया ना टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड ए एक्सक्लूजन करना ठीक है निकाल देना निकल ही जाना जब उसकी बंदी नहीं किसी के साथ इसमें भी नोट है कि अगर सेट ए में सिर्फ ए की पॉइंट है देन टाईज कॉल्ड पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी ऑन एक्स तो व्यूअर्स आज के लेक्चर में आपने दो तरह की खास टपोलॉजी पढ़ी ए इंक्लूजन टोपोलॉजी एंड ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी होपफुली आपको समझ आ गई होगी ए इंक्लूजन टोपोलॉजी क्या है उस टोपोलॉजी में फाइव उसने रखा हुआ है और बाकी सारे के सारे ए के सुपर सेट्स रखे हैं ए इंक्लूजन टोपोलॉजी में फाइव रख के फाइव के साथ ए के सुपर सेट्स क्योंकि फाइव फाइव उसने पहले इसीलिए रख दिया है कि फाइव ने ए का सुपर सेट नहीं बनना तो उसने वो रख लिया और उसके बाद ऐसे सेट्स रखे हैं जो ए के सुपर सेट्स हैं ये तो थी ए इंक्लूजन टोपोलॉजी चूंकि ए के सुपर सेट रखे हुए हैं सब में ये मौजूद है इसलिए इसका नाम ए इंक्लूजन टोपोलॉजी है दूसरी टोपोलॉजी है ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी जिसमें से ए को निकाल दिया गया अब ए में से एक्स तो एक्स जो है वो नहीं निकल सकेगा क्योंकि एक्स ए का सबसेट है तो फिर ये एक्स तो उस टा में आना भी लाजमी है तो एक्स उसने पहले रख लिया और बाकी सारे सेट्स ऐसे रखे हैं जिनकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव है तो ये कहलाएगी A एक्सक्लूजन टोपोलॉजी तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइडअप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह सब स्पेस के टॉपिक पे हम डिलीवर करेंगे और सब स्पेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल से थैंक यू